Hello everyone, in this video we are going to discuss about the somatic embryogenesis. So, somatic embryogenesis is a process in which a single cell or a group, small group of cells, follow a developmental pathway that leads to the reproducible regeneration of non-zygotic embryos which are capable of producing a complete plant. So embryos जो होते हैं वो दो type के होते हैं एक तो वो जो कि हमारे पास male और female gamete के fusion से जो zygote बनता है फिर zygote से क्या बनता है embryo बनता है तो जो embryo zygote से बनता है उसे हम zygotic embryo बोलते हैं whereas जो हमारे पास स्पर्म्स और एग्स को छोड़ के बाकी जितने सेल्स हो गए वो कौन से होते हैं सोमैटिक सेल्स होते हैं और सोमैटिक सेल्स से जो एम्ब्रियो बनाया जाता है उसे हम सोमैटिक एम्ब्रियो बोलते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है जो जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है दैट डोंट शो द सेकेंडरी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड वो यूजुअली डिप्लॉयड होता है वेरास जो सोमैटिक एम्ब्रियो होता है वहाँ पर सस्पेंसर एब्सेंट होता है It don't become dormant lack of endosperm differentiation. No vascular connection may be haploid diploid or triploid. So what are the major differences in the somatic embryos and zygotic embryos somatic embryos are found by the sporophytic cells zygotic embryo kaise by the fusion of gametes somatic embryos store less amount of embryo specific reserves and zygotic embryos सीड स्टोरेज प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स इन केस ऑफ दी सोमैटिक एम्ब्रियोस, अ डिस्टिंग सस्पेंसर इज एब्सेंट एज आई टोल्ड यू जो सस्पेंसर होता है वो एबसेंट होता है इन केस ऑफ दी सोमैटिक एम्ब्रियो सोमैटिक एम्ब्रियो केस में सस्पेंसर इज एब्सेंट एंड जैगॉटिक एम्ब्रियो के केस में तो होता है सस्पेंसर Then embryos have no vascular connections with the cultured explant in case of the somatic embryos, but in case of the zygotic embryos, they have the vascular connection with the explant. Somatic embryo generally lack the dormant phase and often show secondary embryogenesis, whereas the zygotic embryo they do not show secondary embryogenesis. Now. The somatic embryo they show high rate of propagation whereas the zygotic embryo they show low rate of propagation as compared to the somatic embryos. So there are four phases can be recognized during the somatic embryogenesis. So phase 0 cells become competent in presence of the auxin. Phase 1, competent cells have ability to develop somatic embryos when auxin is removed from the medium. फेज़ टू रैपिड सेल डिविजन आकर इन सेल क्लस्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबलाइ स्टेज सोमैटिक एम्ब्रियोज सो ग्लोबलाइ स्टेज क्या होती है कि पहले पहले हमारे पास क्या होती है जैसे सपोज करो हमारे पास जयगॉट है या सोमैटिक सेल है तो पहले हमारे पास फोर सेल स्टेज आती है फिर सिक्सटीन सेल स्टेज आती है फिर हमारे पास प्रो एम्ब्रियो बनता है फिर प्रो से हमारे पास ग्लोबुलर स्टेज आती है इस तरीके की जो स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं ग्लोबुलर ग्लोबुलर के बाद क्या होता है आपके पास हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है एंड हार्ट शेप के बाद क्या बनता है टोरपीडो सो द फेज नंबर थ्री इज प्लांटलेट डेवलप्ड फ्रॉम ग्लोबुलर एम्ब्रियोज वाई द हार्ट सो पहले क्या बनता है पहले ग्लोबुलर स्टेज फिर हार्ट शेप्ड स्टेज एंड फिर टॉर्पिडो शेप्ड स्टेज सो अगर हम मेथड देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कैरेट कैरेट प्लांट है उसका रूट है तो हमने क्या किया है वी हैव आइसोलेटेड द सेल्स क्लम्स ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर ग्रोन इन द न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर दे आर डी डीडिफरेंशिएटेड डी डिफ्रेंशिएटेड मीन्स की दे हैव लॉस्ड देयर डिफ्रेंशिएशन नाउ सो अभी हमने लाइक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन री डिफ्रेंसीशन क्या होता है अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो अ डी डिफरेंशिएटेड सेल अब बन गया है अब वो क्या करेगा डिवाइड करेगा एंड इट विल डेवलप इनटू अ मास ऑफ सेल्स जिसको हम कैलिस बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स अब ये जो कैलिस है दैट इज प्लांटेड इन अ स्पेशलाइज्ड मीडियम न्यूट्रिएंट मीडियम उसको प्रोवाइड करेंगे स्पेशलाइज हॉर्मोन्स उसको देंगे ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का रेशो आपको देखना पड़ेगा अगर आपको रूट का ग्रोथ करानी है तो आप ऑक्सीजन ज़्यादा लोगे शूट करानी है तो आप साइटोकाइनिन का रेशो ज़्यादा रखोगे सो दैट अ प्लांट एम्ब्रियो कैन फॉर्म एंड डिवेलप तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रन मीडियम प्रोवाइड करने हैं आफ्टर दैट आप देखोगे कि पूरा जो प्लांट plant है प्लांटलेट बन जाएगा आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग टू द सॉइल फर्टाइल प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा सो वॉट इज द डिवेलपमेंटल पैटर्न ऑफ द समैटिक एम्बरियोजेनेसिस ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल दे वाई टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मेरीस्मैटिक सेल्स तो एक सिंगल सेल से एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना ये जो सेल्स हैं दे ब्रेक द साइटोप्लाजमिक कनेक्शन एंड दे बिकम आइसोलेटेड देन क्यूटेइजेशन ऑफ द आउटर वॉल मेरिस्टमैटिक मास कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड फॉर्म ग्लोबलार शेप ग्लोबलर शेप सो अभी हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पर ग्लोबलार शेप बनेगी ग्लोबलर शेप से फिर क्या बन जाएगा हार्ट शेप बन जाएगा हार्ट शेप से फिर क्या बन जाएगा टोर्पीडो शेप्ड बन जाएगा जो हमारा एम्ब्रियो है सो यू कैन सी सिंगल सेल्स है मेरिस्टमैटिक सेल्स अदसोलेटेड सेल्स क्यूटेनाइज सेल्स एंड दिस इज द ग्लोबुलर एम्ब्रियो एंड फिर हमारे पास हार्ट शेप का एम्बरीओ आ जाता है दैन टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रियो एंड कॉटलेडनरी स्टेज सो so ये हमारे पास डिफरेंट स्टेज हैं इन द डिवलपमेंट ऑफ द सोमेटिक एम्बरियो ये जो अभी हमने डिस्कस करी देट वॉज द इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जहाँ पे कि कैलिस इन्वॉल्व है डायरेक्ट एम्ब्रियोजिनेसिस का मतलब है जहाँ पे कैलिस इन्वोल्व नहीं होता है सो so, हमारे पास दो टाइप के एम्ब्रियोजनिस हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट की बात करें तो एम्ब्रियोज इनिशिएट डायरेक्टली फ्रॉम द एक्स प्लान यहाँ पे कोई एलस का फॉर्मेशन नहीं होता है एंड हेयर सम सेल्स आर कॉल्ड पी ई डी सी पी ई डी सी मीन्स द प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स प्री एम्ब्रियनिक डिटरमाइंट सेल्स इनिशियेट एम्ब्रिओनिक डिवलपमेंट ओनली दो सेल्स नीड टू बी रिलीज सो एम्ब्रियो इनिशिएट डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट टिश्यू इन एबसेंस ऑफ द कैलस प्रोलिफरेशन तो यहाँ पे कैलस का नहीं होता है फॉर्मेशन पी ई डी सी दैट इज द प्री एम्ब्रियनिक डिटरमाइंट सेल्स इनिशिएट डायरेक्टली सो यहाँ पर दे आर फाउंड इन द एम्ब्रियनिक यहाँ पे इन्हीं सेल्स का क्या होता है रिलीज होता है पीई डी सी का ही क्या होगा रिलीज़ होगा सो so, पी जो सेल्स होते हैं प्री एम्ब्रियनिक डिटरमाइंड सेल्स जो होते हैं वो कमिटेड होते हैं टू द एम्बरीओनिक डेवलपमेंट एंड नीड ओनली टू बी रिलीज एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड होते हैं कि हाँ इन्हीं सेल्स से क्या है एम्ब्रियो बनेगा एंड इन सेल्स का क्या होता है रिलीज होता है ऐसे सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं एम्ब्रियनिक जो हमारे पास कहाँ पे पाए जाते हैं एम्ब्रियनिक टिश्यूज़ के अंदर टिश्यूज़ ऑफ यंग इन द इनविट्रो ग्रोन प्लांटलेट्स लाइक द हाइपोकोटाइल सो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के अंदर बेसिकली ये सेल्स पाए जाते हैं दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस हेयर द एम्ब्रियोज आर डिवेलप्ड थ्रू द सेल प्रोलीफरेशन दैट इज कैलेस फॉर्मेशन यहाँ पर होता है एंड जो सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज आई ई डी सी इंड्यूज एम्ब्रियोजेनिक इंड्यूज एम्ब्रियोजेनिक डिटरमाइंड सेल्स सो हेयर स्पेसिफिक ग्रोथ रेगुलेशन कंसनट्रेशन एंड कल्चरल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ द कैलिस तो कैलिस के इनिशिएशन के लिए हमको प्रॉपर न्यूट्रन मीडियम देना पड़ेगा प्रॉपर जो टेम्परेचर पीएच सारा जो कंडीशंस है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा देन रीडिटर्मिनेशन ऑफ दी सेल्स इनटू द एम्ब्रियोजेनिक पैटर्न ऑफ डिवेलपमेंट सोमैटिक एम्ब्रियोज अराइज फ्रॉम सिंगल सेल लोकेटेड विद इन क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इधर इन कैलिसमास और इन सस्पेंशन सच सेल्स डिवेलप इन प्री एम्ब्रियोज विथ पुलरिटी फॉलोइंग अ पैटर्न सिमिलर टू डिवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ऑव्यू वेन सुटेबल कंडीशन दिस एम्बरीओ जरमिनेट टू प्रोड्यूस प्लाटलेट्स सो जो हमारे पास आई ई डी सी सेल्स होते हैं इंड्यूज एम्ब्रियोजेनिक जो हमारे पास डिटरमेंट सेल्स होते हैं मेजोरिटी केसेज में जो एम्ब्रियोजेनिस हैं दैट इज़ बाय इनडायरेक्ट मेथड मेजोरिटी केसेस में क्या होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इनडायरेक्ट तरीके से होता है हमें स्पेसिफिक ग्रोथ रेगुलेटर स्पेसिफिक कंडीशंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कैलिस का इनिशिएशन कराने के लिए नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सो ये काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नाइट्रोजन का क्या कॉन्सेंट्रेशन है

has been effective for the legumes ethylene generally inhibits the growth and differentiation but in some cases promotes somatic embryogenesis like in case of the maize abscisic acid treatment exposure to high sucrose concentration and gradual desiccation are some of the treatments known to promote the maturation of the somatic embryos polyamines derived through the decarboxylation of amino acids, they have been used to promote the organogenesis or the somatic embryogenesis. Explant choice of explant is generally limited to immature or less differentiated tissues, such as the hypocotyl segments, young leaves, embryogenic shoot tip, young floral parts, and immature zygotic embryos. So, medium MS medium rarely we use white medium, what is most common. एम एस मीडियम का यूज किया जाता है फॉर द समैटिक एम्बरिस नाउ वॉट आर द एडवाटेजेस ईजी हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन पोटेंशियल लॉन्ग टर्म स्टोरेज हाइर स्केलअप कैपेसिटी, यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन पोटेंशियल फॉर ऑटोमेशन ऑफ एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस नाउ वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ समैटिक एम्बरियोजेनेस इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लान थ्रू मैनिपुलेशन एट द सेल्यूलर लेवल large scale multiplication of important plants it is possible to induce somatic embryogenesis in majority of crop and forest plants and considerable success has been achieved in scaling up the process somatic embryos can be encapsulated to obtain the synthetic seeds so if you haven't watched the video of the synthetic seeds i have already discussed about it in much detail so you can check out the link will be given in description Somatic embryogenesis is easily observable, its various cultural conditions can be controlled, and a very large number of somatic embryos can be obtained. So, that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day. And notes ka PDF ka link pe aapko description me mil jayega so you can download the notes from there.